हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंदाराना। दोस्तों, आज के मजेदार वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले दो एक्सीलेंट प्रोडक्ट के बारे में। ये जो है दोस्तों, ये पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर है, बाइक के लिए यूजुअली रिकमेंड करते हैं, काफी लोग कार में भी यूज करते हैं। तो कौन सा टायर इन्फ्लेटर कैसा परफॉर्म करेगा, इस वीडियो में देखेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ये जो दोस्तों है, ये एमआई का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक कंप्रेसर है, और ये जो है माइक्रो टायर इन्फ्लेटर है। ये दोनों बाइक के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं क्योंकि काफ़ी पोर्टेबल है, आप इसको बैग के अंदर वगैरह कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो दोनों के फंक्शन के बारे में देखते हैं, क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स है इस दोनों टायर इन्फ्लेटर के। तो वीडियो के एंड में दोस्तों आपको एक कुछ मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा ये दोनों कंप्रेसर के बारे में, तो वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम पेज है क्विक फिक्स इंडिया, जहाँ पे हम लोग काफ़ी कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड स्टोरी अपलोड करते रहते हैं। अगर हमें फॉलो नहीं करते तो प्लीज जाके वहां फॉलो करिए, काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एमआई टायर इन्फ्लेटर क्या क्या चीजें इसमें आती है, और उसके बाद में देखते हैं मिशलिन टायर इन्फ्लेटर के बारे में। तो ये है एमआई का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक कंप्रेसर, जो कि काफी बेहतरीन कॉम्पैक्ट है, जिसे आप बाइक के लिए यूज कर सकते हो। ये बैटरी के ऊपर चलता है। तो पहले इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें अंदर होती है, कैसा ये फंक्शन करता है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पोर्टेबल इन्फ्लेटर है दोस्तों, ये एमआई का है। एमआई फोन आपने देखा होगा, एमआई जॉमी, और यहाँ पे कुछ ऐसा टायर इन्फ्लेटर आता है। ये जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये डिजिटल गेज के साथ में ये ओपन हो जाएगा। आपको इसे वॉल के ऊपर माउंट करना होता है और यहाँ से बटन दबा देना है, ये चालू हो गया है, ये हवा भरना चालू करेगा। इसके साथ में क्या क्या चीज़ें आती है ये भी देखते हैं। आप यहाँ पे बॉक्स पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आती है इसके साथ में। एयर कंप्रेसर आता है, और एक प्रेस्टा वॉल, जो प्रेस्टा वॉल अडाप्टर होता है जो साइकिल के लिए लगता है, एक नीडल वॉल अडाप्टर आता है जो हम लोग बॉल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एक पाउच आता है। तो पाउच भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो पाउच है, ये ऐसा पाउच आता है, और आप जब भी इसे कैरी करते हो आप इसे बंद करके ऐसा डाल दोगे, बंद हो गया, इसमें कैरी कर सकते हो। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो बाइक राइड के लिए वगैरह आप इसको यूज़ कर सकते हो इजीली। और इसका जो वेट है ये भी काफ़ी कम है, जो आपको ये केबल और अडाप्टर रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ से इसे आप डाल सकते हो अंदर में, वेलक्रो वाला है, तो इजीली ये घूमेगा नहीं आपके, तो कभी भी आपको इमरजेंसी में काम आएगा। आधे किलो का है, आधा किलो उसका वेट है, मतलब 500 ग्राम का वेट है इसका। जो दोस्तों है, आप देख सकते हैं ये है मेड इन चाइना, चाइना में बना हुआ है। क्या क्या चीज़ें आती है ये भी दिखाओ। मी के जो पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर है, उसके साथ में एक चार्जिंग कॉर्ड आता है जो माइक्रो यूएसबी है, और एक ये जो नीडल एक अडाप्टर आता है जो बॉल्स के लिए काम आता है, और इसे कहते हैं प्रेस्टा वॉल अडाप्टर, जो हम लोग साइकिल में जब हवा भरते हैं तभी। ये अडाप्टर आप जैसे इसे खोलोगे, इसके ऊपर लगा के आप साइकिल में हवा भर सकते हो। यहाँ से आप माइक्रो यूएसबी पिन डाल के उसे चार्ज कर सकते हो। बेनिफिट्स ये है कि आप मान लो आपके पास एक्टिवा है, एक्टिवा में मान लो पंचर हो गया, तो आप एक्टिवा को खींच भी नहीं पाओगे, पूरा फ्लैट हो जाता है तभी। तो या कोई बाइक है आपके पास में, तो आपको हवा भरना है तो काफ़ी इजी है। ये इनबिल्ट बैटरी रहती है, काफ़ी वेट भी कम है, तो आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। एक्टिवा वगैरह में दोस्तों आप सीधा इसे वॉल पे माउंट करके बटन दबा के इसे हवा भर सकते हो। काफ़ी टायर पोर्टेबल इन्फ्लेटर में आता है 2000 mAh का लिथियम आयन बैटरी, जो कि चारों टायर भरने के लिए कार के लिए सफिशियंट है। तो अभी तक उसे मैंने प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया, लेकिन हम लोग आपके सामने इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कितना फास्ट हवा भरता है, कितना टाइम लेता है ये। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप आपके सिस्टर्स को या फादर को या मदर को, किसी को या सिस्टर को रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट देना है, या फादर्स डे मदर्स डे के दिन पेरेंट्स को देना है, तो एक्टिवा वगैरह है दोस्तों, तो काफ़ी ईजिली ये लोग डिक्की में से निकाल के हवा भर के चला सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक मैं बताना चाहूँगा आपको। ड्रॉबैक सबसे बड़ा उसका ये है कि आप अगर कोई हिल स्टेशन पे जाते हो जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर, मान लो लद्दाख वगैरह जा रहे हो, काफ़ी ठंडे जगह पे, तो बैटरी वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। तो मान लो इसकी बैटरी अगर डेड हो गई तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप हवा भरने के लिए। तो इसका एक कॉन है कि ये बैटरी बैकअप वाला है, तो अगर उसका मान लो बैटरी आपका डिस्चार्ज हो गया तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। दोस्तों एक साल का वारंटी आता है, मान लो एक साल के बाद अगर आपकी बैटरी चली गई तो ऑब्वियसली आपको नया ही परचेस करना पड़ेगा। तो ये एक उसका कौन है कि बैटरी खराब हो गया तो ये टायर इन्फ्लेटर खराब हो गया। बैटरी बैकअप है। मान लो अगर आपने कई राइड के लिए जाना है, आपने बैटरी चार्ज करना भूल गए, आप उसे ऐसे ही लेके गए, तो ऑब्वियसली आप हवा नहीं भर पाओगे। तो आपको एक और एक प्रॉब्लम ये है कि इसको हमेशा आपको चार्ज करके रखना होता है।
कुछ टाइम के बाद में, साल दो साल के बाद में इसकी बैटरी हो जाती है वीक, तो ऑब्वियसली अभी अगर चार टायर भर रहा है तो उस टाइम पे दो टायर के बाद ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये भी एक ड्रॉबैक उसका हो सकता है। तो दोस्तों ये है मिशलिन का माइक्रो टायर इन्फ्लेटर, काफी पोर्टेबल है, ये बाइक के लिए सूटे हुए। इसके अलावा भी कुछ बड़े बड़े मॉडल्स भी आते हैं, लेकिन हम लोग ये बाइक के लिए, या छोटी कार आपके पास सीडान वगैरह है उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हुए, एसयूवी कार के लिए ये नहीं है। तो हम लोग इसे अनबॉक्स करते हैं अभी। ये भी दोस्तों एक है डिजिटल टायर इन्फ्लेटर, ये डिजिटल यहाँ पे गेज है उसका, ये आता है आपको एक केबल के साथ में। सो ऑब्वियसली जो लाइटर, सिगरेट लाइटर होता है कार के अंदर, जो सॉकेट होता है चार्जिंग केबल सॉकेट, तो उसके अंदर इसे डाल के, और ये काफ़ी बड़ा वायर है, तो ये वायर को आप यहाँ पे माउंट करते हो, और तो ये वायर को यहाँ पे माउंट कर दिया। उसके बाद में ये डालना है आपको चार्जिंग सॉकेट में, और यहाँ से ये ऐसा खुलता है, और इसे आपको माउंट करना है वॉल के ऊपर। इसके अंदर बटन है, प्रेस बटन, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे चालू कर दोगे आप ये हवा भरना चालू करें। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे भी एक प्रेस्टा वॉल का अडाप्टर है, एक फ्यूज़ दिया है इसके फ्यूज़ बेस पे, मान लो अगर ज़्यादा लोड आया तो फ्यूज़ जाएगा उसका, तो फ्यूज़ डालने के लिए भी जगह है। वॉल में हवा भरने के लिए भी काफ़ी एक अच्छा नीडल दिया है, उससे आप हवा भर सकते हो। तो इसका भी वेट अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 ग्राम है, इजीली कैरी कर सकते हो। इसको कोई पाउच वगैरह नहीं दिया, एक अच्छा छोटा पाउच MI में दिया था, तो ऐसा कोई पाउच इसके साथ नहीं आ रहा है। दोस्तों ये है मिशलिन माइक्रो टायर इन्फ्लेटर, काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट है, इसके अंदर अलग अलग मॉडल्स भी आते हैं, बड़े कार के लिए भी आते हैं, ये हम जो आज रिव्यू कर रहे हैं बाइक के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बाइकर लोग मुझे पूछते रहते हैं रवि भाई कौन सा अच्छा कंप्रेसर है पोर्टेबल, तो ये एक है जिसके बारे में हमने बात किया, और ये एक है। अभी इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ, ये जो है बैटरी बैकअप वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली इसे जैसा आप बैटरी को चार्ज करके रखना होता है, इसे कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप राइड के लिए जा रहे हैं साथ में लेके निकल जाइए। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको हमेशा एक चार्जिंग कॉर्ड होना ज़रूरी होता है बाइक के अंदर या कार के अंदर, उससे ही ये चार्ज करता है। दूसरा, इसके अंदर एक भी डिजिटल गेज है, काफ़ी पावरफुल है, आप इजीली 45 तक कार में भी इजीली भर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आपको बैटरी से करंट मिल रहा है इसके अंदर। इसका एक अच्छी चीज़ ये है दोस्तों, मान लो आप लद्दाख वगैरह जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आपका गाड़ी का बैटरी, तो ऑब्वियसली गाड़ी चालू होती है, आप उससे हवा भर सकते हो इजीली। ये अगर मान लो आपका बैटरी इसका ड्रेन हो गया, आपको उसे चार्ज करना होगा, इसे कोई चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, इसे हमेशा एक पावर सर्किट की ज़रूरत होती है, जो कि आपको गाड़ी के सॉकेट से मिलती है। छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है जैसे एक्टिवा वगैरह है या एक्सेस है, उसके अंदर पावर सॉकेट होता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप MI का रखिए। मान लो आपके पास में कोई बाइक है जिसके अंदर आप सॉकेट लगा सकते हो या ऑलरेडी है, तो उसके लिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं। ये काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी इजीली हवा भरता है, और एक जैसा मैंने आपको बताया था कुछ अच्छी चीज़ें वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इसका भी एक जुगाड़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखते रहिए। तो यूजुअली SUV के लिए हम लोग ये बड़ा इन्फ्लेटर यूज़ करते हैं, ये काफ़ी बड़ा है और हैवी ड्यूटी है, तो ईजिली हवा भर सकता है SUV में, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होता है। लेकिन इसके लिए हम लोग आज यूज़ करने वाले हमारा MI का हम लोग यूज करेंगे। इसमें पहले इसका एयर निकाल लेते, पूरा फ्लैट कर देते टायर को, पूरा फ्लैट कर देंगे टायर को, और उसके बाद में इसको यूज करेंगे और टाइमर लगाएंगे, देखते कितने टाइम में यह हवा भरता है। पूरा टायर हो चुका है फ्लैट, ये पिन निकाल लिया था हमने वॉल पिन, इसको अभी करेंगे टाइट। अभी वॉल को कर देते हैं माउंट इसको, और यहाँ पे लगाया स्टॉप वॉच, जैसे ही हम लोग इसे चालू करेंगे स्टॉप वॉच को चालू कर देंगे, तो ये बटन दबा दिए और ये स्टॉप वॉच चालू हो चुकी है। अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है ये भरने के लिए और कितना फास्ट भरता है। दोस्तों अभी टाइम हुआ है 13:46 और 31 हवा भरी है, तो अप्रोक्सीमेटली 14 ले रहा है ये पूरा 0 to 32 करने के लिए। अभी 32 हुआ है, 14 अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे अभी हम बंद करेंगे। 32 एयर प्रेशर है, 14 अप्रोक्स लिए है वाला, अभी हम लोग लगाएंगे मिशलिन वाला और देखते कितना फास्ट हवा वो भरता है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अंदर जहाँ पे चार्जिंग केबल सॉकेट है, वहाँ पे उसको डालना होगा। तो ये है चार्जिंग जो कॉर्ड है, वहाँ पे डाल दिया इसको। हम लोग एक रिकमेंड करते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए उस टाइम पे, तो अभी गाड़ी पहले स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो बैटरी डाउन हो जाएगा। तो न्यूट्रल में डाल के हम लोग गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। गाड़ी हो गई है स्टार्ट। इसका वायर जो है काफ़ी बड़ा है, तो चारों टायर तक पहुंच जाएगा।
तो पूरा ये करके अभी हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे उसको। माइक के थ्रू हमने डाले थे 32 एयर प्रेशर, तो इसके थ्रू चेक करते कि 32 सही में था क्या नहीं उसमें। तो ये बता रहा है 31.5, तो शायद MI का निकालते टाइम पे 0.5 का प्रेशर गया होगा। तो अभी हम लोग इसका वापस इसको खाली करते हैं और इससे देखते हैं कितना फास्ट होगा। तो वॉल पिन को निकाल देंगे तो काफ़ी फास्ट एयर बाहर आ जाएगा। कितना फास्ट होता है, आपको अगर मोबाइल वोबाइल चार्ज करना है तो यहाँ पे एक USB का चार्जर का कॉर्ड भी दिया है, तो मोबाइल वोबाइल भी चार्ज कर सकते हो उससे। ये बटन है स्टार्ट करने का, तो अभी हम लोग यहाँ से अभी दोनों एक साथ में करते हैं। ये हो गया स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 31.5 हो चुका है, अभी हो जाएगा 32 और टाइम अप्रोक्सीमेट हो गया 32 और टाइम अप्रोक्सीमेटली लगा है 8 मिनट 51 सेकंड, मतलब 9 मिनट। यहाँ पे हम इसे बंद कर रहे हैं, तो हमें लगा 9 मिनट टोटल मिशलिन से भरने के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट, वहाँ पे 14 मिनट लगा, तो 5 मिनट आपके बचे। और ये काफ़ी ईजीली था, लेकिन इसका एक ही दिक्कत है कि इसको बैटरी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं सॉकेट होने की ज़रूरत है, तो विदाउट सॉकेट आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि दो टिप्स दूंगा आपको, दो टिप्स ये थी कि पहली जो टिप्स थी कि अगर आपको अभी ये मैंने नॉर्मल एक गाड़ी है ब्रियो, हर गाड़ियों में अलग अलग टाइम लग सकता है, तो ये जो अप्रॉक्स टाइम लगा ये ब्रियो गाड़ी में, आपका अगर टायर बड़ा है तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप जैक लगाओगे यहाँ पर, जैक लगा के गाड़ी उठाओगे तो गाड़ी का जो टायर पे प्रेशर नहीं रहेगा तो फील एयर जल्दी फास्ट होगा, तो आपका उसमें भी काफ़ी टाइम बच सकता है। और बहुत से बार ऐसा होता है कि ये छोटे कंप्रेसर है, जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह है, तो आप अगर फ्लैट रहेगा टायर और इसको लगाओगे तो वो टायर उठेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इतना पावर नहीं है। अच्छे गाड़ी को ऊपर करिए, बाद में इसको लगाओ तो आपका फास्ट एयर जाएगा और एयर भरेगा। काफ़ी गाड़ियों जैसे फॉर्च्यूनर या बड़ी हीवी लोड गाड़ियाँ हैं उसमें शायद टायर उठे भी नहीं आपका और ये चलता रहेगा। तो एक टिप था, और दूसरा टिप मैं आपको बाइक के ऊपर बताता हूँ। दोस्तों हमारे पास में PCL का गेज एक्यूरेट गेज है, और यहाँ पे हम लोग अभी चेक कर रहे हैं यहाँ से कि एक्यूरेट है क्या, और आप देख सकते हो ये बता रहा है, ये दिखा रहा है 32, मतलब ये है एक्यूरेट परफेक्ट। तो एयर प्रेशर था एक्यूरेट MI का, मिशलिन का और हमारे PCL का, तो आपको जो एयर मिल रही है वो परफेक्ट मिल रही है। तो अभी टेस्ट करेंगे हम बाइक के लिए, क्योंकि ये जो टायर इन्फ्लेटर है ये बाइक के लिए ही मैं रेकमेंड करता हूँ, तो मेरी बाइक यहाँ पे आज हम लोग मेरे बाइक पे यूज़ करेंगे। तो पहले इसका हवा निकालते हैं, एयर निकालते हैं, पहले अभी यूज़ करेंगे मेरे बाइक पे। ये जो था ये कार के लिए था, ये छोटा वाला जो है बाइक के लिए, क्योंकि यहाँ जगह कम होती है। तो अभी इसका पहले एयर निकाल के फ्लैट करते हैं। अभी पहले यूज़ करेंगे हम लोग मिशलिन का, और उसके बाद में यूज़ करेंगे हम लोग MI का Xiaomi। हवा पूरी निकल चुकी है, देखो ये पूरी हवा निकल चुकी है, देखो टायर पूरा दब रहा है, ये पूरा फ्लैट नहीं, इसकी साइड स्टैंड पे है। अभी इसका वॉल पिन लगा देते हैं। लकीली मेरे बाइक में जो है ये सॉकेट है, तो पहले हम लोग जैसे रेकमेंड करते हैं बाइक को स्टार्ट करिए आप, बाइक को स्टार्ट करने के बाद में इसको हम लोग लगाएंगे सॉकेट के अंदर। सॉकेट में लगा दिया है, वहाँ पे चालू हो चुका है, तो अभी इसे माउंट करेंगे हम लोग वॉल के ऊपर। टाइट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं एयर प्रेशर जो है अभी ज़ीरो है, देखो एयर प्रेशर है ज़ीरो। टाइमर को करते हैं स्टार्ट, दोनों को साथ में स्टार्ट हो गया। तो मेरे बाइक में एयर प्रेशर डालना है मुझे 42, पीछे का रिकमेंडेड है 42, तो 42 भरने के लिए कितना टाइम लेगा ये, और देखते हैं 42 भर पाता है कि नहीं। तो MI का भी यूज़ करेंगे और ये जो मिशलिन का, ये दोनों यूज़ करके देखते हैं 42 कितना फास्ट होता है। 7.5 मिनट में 36 हुआ था, तो आगे के टायर में डालने के लिए 7.5 मिनट लगता है, अभी 37.5 हुआ है 8 मिनट में, अभी देखते हैं और 42 होने के लिए कितना टाइम लेता है। चुका है 41.5 और टाइम हुआ है अप्रोक्स 9.5 मिनट, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं लगभग, देखो 42 हो गया है 9.5 मिनट में,
तो 9.5 मिनट लगे 42 एयर प्रेशर भरने के लिए। अभी हम लोग इसमें चेक करेंगे एमआई में कितना टाइम लेता है, Xiaomi में। वापस निकालते हैं और इससे भरने को ट्राई करेंगे। वापस रीसेट करते हैं, इसमें 9:40 हुआ था, 9:42 अप्रॉक्स 9.5 मिनट। देखो हवा निकल चुकी है पूरी। वापस लगा देते पिन को, तब इसको लगाते हैं। तो दोनों हो चुके फिट और दोनों को एक स्टार्ट में स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट, ये हो गया शुरू। अभी देखते हैं कौन फास्ट भरेगा। मैं तो जो मेरे पूरे पैसे है वो लगा रहा हूँ मशीन के ऊपर, वो फटाफट भर देगा। एक इसमें ग्लीच ये है कि देखिए काफ़ी यूट्यूबर्स लद्दाख वगैरह जाते हैं, तो लद्दाख में जाके उनकी गोप्रो की बैटरी ख़राब हो जाती है। तो सेम प्रॉब्लम कुछ बाइकर्स को ये MI जो Xiaomi का है उसके साथ में भी आया है, जो माइनस में जाके बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और वापस फिर उन लोगों को चार्ज करने के लिए जब ज़रूरत थी तो शायद मेरे एक दो दोस्त हैं उनकी बैटरी चली भी है, लेकिन शायद वो नया था इसकी वजह से चली है। और ये थोड़ा यूज़ होने के बाद में शायद बैटरी वीक हो जाती है तब नहीं चलता है, तो पता नहीं। लेकिन ये हमेशा बैटरी के भरोसे पे है, और वो आप तो ये बैटरी गई इन्वर्टर गया वो आपका 4-5 साल कोई टेंशन नहीं होगा, एज लॉन्ग एज यू कीप इट प्रॉपरली एंड सेफ। तो देखते हैं अभी। आज से ही मैं बोल सकता हूँ कि जो MI की मोटर है, जो इसकी मोटर है, ये काफ़ी स्लो चार्ज कर रही है, और क्योंकि उसको बैटरी से करंट मिल रहा है। मिशलिन का जो कंपैरेटिवली था वो फास्टर हवा भर रहा था। 9 मिनट लिए थे और ये अभी तक 9 मिनट में 34 पॉइंट हुआ है। अभी देखते हैं ये कितना और ज़्यादा टाइम लेगा। अभी दोस्तों 41 हो चुका है, अप्रॉक्स 12 मिनट हो चुके हैं। ये देखो 42, तो 42 को हमको लगे 12 मिनट, तो इसने भर दिया 42 काफ़ी अच्छे से, 12 मिनट लगे। तो आप देख सकते हो मिशलिन में आपको अप्रॉक्स 9 मिनट के थोड़ा कम ही लगा था और इसमें 12 मिनट लगे, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था दोनों का। अभी जैसा मैंने आपको बोला था कि एक जुगाड़ आपको और बताऊंगा, तो जुगाड़ बताने का टाइम आ गया है। जुगाड़ मैं बता रहा था आपको वो है ये एक है बैटरी अडाप्टर। तो ये प्लस और ये माइनस, आपके पास में अगर मान लो ये ऐसा सॉकेट नहीं है तो आप ये अडाप्टर को ख़रीद सकते हो। मोस्टली मेरे गाड़ी में ये लगा हुआ था तो इसके थ्रू मैं रिफ़िल कर रहा था। मान लो आपकी कोई हिमालयन कोई बाइक है और आपके पास में ये अडाप्टर नहीं है तो आप ये वाले अडाप्टर को ले सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आप ये प्लग को डालोगे इसमें और इसको लगाओगे बैटरी पे और आप इसको चालू कर सकते हैं। आपको दिखा दो कैसा होता है। तो आपके बाइक की जो बैटरी है उसको लोकेट करना है कहाँ पे है। तो ये देखो ये मेरे यहाँ पे सीट के नीचे बैटरी है, मैंने सीट खोल दी है तो ये निकाल दिया आपने यहाँ पे, और प्लस वाले को यहाँ पे लगा दिया और माइनस को लगा दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये चालू हो गया। चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप ये बैटरी को लगाओगे तो गाड़ी को चालू कर दीजिए, गाड़ी को स्टार्ट करके ही हवा भरना है आपको। तो आप ऐसा चालू कर दिया, देखो ये चालू हो गया है, लेकिन बैटरी डाउन होगा आपका, तो उसके लिए आप गाड़ी को चालू रखिए। ये एक है जुगाड़। एक एडिशनली ये 450 रुपीज़ का आता है, अच्छे क्वालिटी का है। इसकी जो पिंस है ये अच्छे क्वालिटी के है, तो ये 450 का ये एडिशनली ले सकते हो। आपको दोस्तों ये कोई भी प्रोडक्ट अगर लेना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो लिंक से जाके परचेस कर सकते हो। अगर आपके पास में फुटबॉल या बास्केटबॉल में हवा भरना है आपको, तो MI का जो पोर्टेबल है ये काफ़ी कंपेटेबल है, ये इजीली आप ग्राउंड में लेके जा सकते हो। आपके पास अगर साइकिल है, साइकिल चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपको करंट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये इनबिल्ट बैटरी के साथ में आता है, तो ये काफ़ी यूजफुल है। अभी जैसा बॉल में ये निडल है, इसके थ्रू निडल प्लग के थ्रू हम लोग इसमें हवा भर देंगे तो काफ़ी इजी है। ये देखो ये चालू हो गया, अभी ये हवा भर देगा, तो काफ़ी हैंडी होता है ये अगर आप ग्राउंड वगैरह में कहीं पे हो तो। ये वाला हम लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। मिशलिन वालों को करंट की ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली बाइक या बैटरी के थ्रू वो ऑपरेट करेगा, इसमें इनबिल्ट बैटरी है तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइट लाइट जल रहा है, मतलब बैटरी फुल चार्ज है। मान लो यहाँ पे अगर रेड या येलो ब्लिंक होता है मतलब आपका बैटरी जो है वो ड्रेन हो रहा है, ऑब्वियसली खत्म होने वाला है, फुल चार्ज नहीं है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। आपके कोई थॉट्स है, आपको कुछ लग रहा है कि कोई चीज़ पे मैंने वीडियो बनाने चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कौन से चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस पर हम लोग ट्राई करेंगे।
दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर देना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साइड में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो जो भी वीडियो हमारे आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर आएगा। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।